पर्सनली 3.3 का हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हमको प्रूव करना है cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x equal to -√2 sin x। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये cos x minus cos y का फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो cos x, cos x माइनस cos y बराबर हमारा होता है -2 sin x + y/2 और sin x - y/2। ये फार्मूला होता है हमारा कि जब दो एंगल प्लस या माइनस में लिखे हों और उनको प्रोडक्ट में बदलना हो। यहाँ पे दो कोण cos x और cos y माइनस में लिखे हैं, यहाँ पे क्या हो गया साइन साइन गुणा के रूप में आ गया। तो इसमें चार फार्मूले हम होते हैं, हम लोग चारों अगर आप चाहें तो रिवाइज कर लीजिए। cos x plus cos y हमारा होता है cos x plus cos y, इसमें दोनों cos होते हैं, 2 cos x + y/2 और cos x - y/2, और sin x + sin y हमारा होता है 2 sin x + y/2 cos x - y/2 और sin x - sin y हमारा हो जाता है 2 cos x + y/2 sin x - y/2। तो इस चारों फार्मूलों को याद करने का जो ट्रिक हमारा है क्या रहेगा, cos x plus cos y में हमारा क्या होता है, दोनों cos cos, और एंगल हमारे क्या होंगे, 1 x + y/2 और 1 x - y/2, 2 2 तो सब में रहेगा। तो cos x plus cos y हमारा क्या हो गया, 2 cos x + y/2 cos x - y/2, और cos x minus cos y में 2 तो रहेगा, 1 माइनस आ जाएगा, और इसमें दोनों साइन साइन रहेंगे। ठीक है, sin x + sin y में हमारा क्या होगा, x + y/2 के साथ साइन अगला टर्म cos, और इसका sin x - sin y के ये जो साइन के साथ था वो कॉस के साथ, और जो कॉस के साथ था वो साइन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पहला फार्मूला यूज करेंगे जो हमको प्रूव करना है, उसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। cos 3π/4 + x - cos 3π/4 - x। तो एक सिंगल एंगल हम लोग इसको मानते हैं कि एक एंगल ये हमारा हो गया ये cos x, और ये हमारा क्या हो गया y की जगह पे। तो cos x, x हमारा क्या हो गया ये हो गया, और y हमारा ये हो गया। तो cos x माइनस cos y, तो ये हमारा क्या हो गया -2 sin x + y/2, यानी दोनों एंगल का सम 3π/4 + x + 3π/4 - x/2 ये हो गया इंटू sin x - y/2, यानी 3π/4 + x - 3π/4 - x/2। इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व करें तो -2, ये x x खत्म हो गया, 3π/4, 3π/4, 6π/4, तो ये हमारा हो गया 6π/4, और ये हमारा नीचे 2 भी है तो 6π/8 हो गया इंटू साइन, ये हमारा हो गया 3π/4, ये -3π/4 खत्म हो जाएगा और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x/2, ये हमारा क्या हो गया साइन x हो गया। तो ये -2 sin 2 से अगर इसको हम लोग काट दें तो ये 3π/4 इंटू साइन x, और 3π/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, π - π/4 बराबर हमारा क्या होगा 3π/4, क्योंकि 3π/4 वगैरह की वैल्यू तो हम लोग याद रखते नहीं, 0 से π/2 की वैल्यू याद रहती है हम लोग को। दिस इक्वल टू -2 sin 3π/4 अगर कहीं पे लिखा हो, या π - π/4 बार बराबर है sin x = -2। अब sin π - x जो हमारा होता है, sin π - x होता है हमारा -sin x, तो ये हो जाएगा हमारा -sin π/4 इंटू sin x। दिस इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और sin π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin x। sin π - x हमारा क्या होता है, sin x होता है प्लस में, ये माइनस नहीं होता। sin π - x हमारा sin x होता है
तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारा माइनस, और टू को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट टू इंटू रूट टू, तो एक रूट टू कैंसिल होके ये हमारा क्या बचेगा, माइनस रूट टू इंटू साइन एक्स। ये हम लोगों ने 11th नंबर क्वेश्चन अपना कर लिया। अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं हमारा 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अपना लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चले, तो ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये हमारा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे अपना फार्मूला, साइन x प्लस साइन y और साइन x माइनस साइन y का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लिख देते हैं, साइन x प्लस साइन y बराबर हमारा होता है टू साइन x प्लस y बाई टू कॉस x माइनस y बाई टू, और माइनस में क्या फर्क आता है हमारा, माइनस में हमारा क्या हो जाता है, साइन वाला कॉस हो जाता है, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। अब हम लोग ये दोनों फार्मूले हम लोगों के यूज होंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई टू साइन टू इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, यानी सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बाई टू, एक ब्रेकेट में हमारा ये हो गया। अगले में साइन एक्स माइनस साइन वाई हमारा क्या हो गया, टू कॉस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बाई टू और साइन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बाई टू, दिस इक्वल टू टू इंटू साइन टेन एक्स बाई टू क्या हो गया फाइव एक्स, और टू एक्स बाई टू हमारा क्या हो गया कॉस एक्स, और ये हो गया टू कॉस ये फाइव एक्स, और ये हो गया हमारा साइन एक्स। अब ये हमारा क्या हो गया टू साइन फाइव एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स, इसको एक तरफ लिखते हैं, और इंटू टू साइन एक्स और कॉस एक्स को हम लोग इकट्ठा लिखते हैं। और एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं कि अगर कहीं पे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हो तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे भी वही एंगल है, तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन टू एक्स, यानी ये हमारा हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स, यानी साइन टू इंटू एंगल हमारा क्या है फाइव एक्स, और ये हमारा हो जाएगा साइन टू इंटू यहाँ पे एंगल हमारा क्या है एक्स, तो दिस इक्वल टू साइन टू एक्स इंटू साइन टेन एक्स इक्वल टू आर एच एस, जो हमको लाना था राइट हैंड साइड में यही हमारा लिखा था। ये हमारा हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे सामने लिखा है कॉस स्क्वायर 2x, 13 नंबर हमारा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो इसमें हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अपना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
दिस इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x। अब हम लोग जानते हैं कि अपना फार्मूला क्या है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इसमें क्या होता है दोनों कॉस कॉस होते हैं, 2 cos x + y/2 और cos x - y/2, और cos x - cos y बराबर हमारा क्या होता है -2 sin x + y/2 sin x - y/2। ये यूज करेंगे हम लोग। अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हमारा क्या हो गया 2 cos x + y/2 यानी 2x + 6x/2 और इंटू cos 2x - 6x/2, ये हमारा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हो गया। और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस ये इंटू में रहेगा हमारा -2 sin 2x + 6x/2 इंटू sin 2x - 6x/2। दिस इक्वल टू ये हमारा माइनस यहाँ पे लिख दें -2 cos 8x/2 हमारा क्या हो गया 4x, और cos 2x में से 6x दिया -4, और यह हो जाएगा हमारा -2x इंटू इंटू 2 और ये sin 4x - sin 2x में से 6x गया -4 और 2 से डिवाइड किया -2x। अब ये साइन का माइनस जो है बाहर चला जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइन होता है -x बराबर हमारा क्या हो जाता है -sin x। तो ये हमारा हो गया 2, और sin 4x को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 sin 4x * cos 4x। हमारे कौन से टर्म होंगे ये लिख लिया हम लोगों ने, ये लिख लिया। अब 2 sin 2x और cos - x बराबर हमारा क्या होता है cos माइनस खा लेता है तो cos x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 sin 4x और cos 4x इंटू 2 sin 2x और cos 2x। अब हम लोग जानते हैं कि 2 sin x cos x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं sin 2x। तो ये हमारा हो जाएगा sin 2 इंटू एंगल यहाँ पे हमारा क्या है 4x, और ये हमारा हो जाएगा अगला वाला sin 2 इंटू एंगल यहाँ पे हमारा क्या है 2x। दिस इक्वल टू sin 8x - sin 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड में यही हम लोग को लाना था। ये हमारा हो गया 13 नंबर। अब हम लोग अगला करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है हमारा 14 नंबर है sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x = 4 cos² x * sin 4x। यानी यहाँ पे सारे जो है एंगल सम के रूप में दिए हैं, यहाँ पे हमको क्या लाना है योग के रूप में, यहाँ पे गुणा के रूप में। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, ये हमारा sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं sin 2x और sin 6x को जो है कंबाइन करते हैं। ये हमारा हो गया sin 2x + sin 6x + 2 sin 4x। अब हम लोग जाते हैं sin x + sin y का फार्मूला। sin x + sin y हम लोग जानते हैं ये क्या होता है हमारा 2 sin x + y/2 sin x - y/2। ये फार्मूला सबसे पहले हम लोग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin 2x + 2 sin 2x + 6x/2 into sin 2x - 6x/2।
ये एक टर्म हो गया और प्लस हमारा 2 sin 4x, तो हमारा लिखा ही है दिस इक्वल टू 2 sin 8x, में 2 से भाग दे 4x इंटू साइन, ये -4 से भाग दे -2x, और प्लस हमारा 2 sin 4x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 sin 4x कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा -sin 2x+1। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया कि साइन के अंदर अगर माइनस है, साइन -x = हम लोग लिख सकते हैं -sin x, तो sin -2x = -sin 2x लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो गया 2 sin 4x काउंट करने के बाद 1 - sin 2x हम लोगों का बचा था, और हम लोग को लाना क्या है, sin 4x तो चाहिए ही, sin 1 - sin 2x। इसमें हम लोग 2 sin 4x sin 2x + sin 6x में हमारा क्या होता है, सॉरी, ये sin x + sin y में हमारा एक एंगल साइन होता है और एक कॉस होता है, सॉरी सॉरी, ये हमारा क्या होता है, कॉस, क्योंकि साइन में एक साइन होता है और एक हमारा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो sin 2x + sin 6, ये हमारा एक साइन हो गया पहले वाला, और एक हमारा ये क्या होगा, ये हमारा कॉस होगा, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, क्योंकि sin x + sin y = 2 sin x + y/2 cos x - y/2, तो sin 2x + sin 6x हो जाएगा 2 sin 2x + 6x/2 cos 2x - 6x/2, तो ये कॉस हमारा हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये देखिए क्या हो गया हमारा, ये 2 sin 4x जो है अगर हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे cos-θ हमारा क्या होता है, cos-x = सीधा सीधा cos x हो जाता है, तो -2x हमारा क्या हो गया, cos 2x, और यहाँ से 1 बचा, और एक फार्मूला हम लोग और लगा देंगे, जो cos 2x = हमारा होता है 2 cos² x - 1, cos 2x = 2 cos² x - 1, तो दिस इक्वल टू हमारा 2 sin 4x × 2 cos² x - 1 हो गया, ये cos 2x की जगह पे, और प्लस 1 हमारा पहले से है, ये हमारा 1 1 खत्म हो गया, 2 2 4 sin 4x × cos² x = RHS। तो इसमें कंफ्यूजन जैसा कोई बात है नहीं, sin x + sin y हमारा क्या होता है, 2 sin x + y/2 cos x - y/2, ये हमारा 14 नंबर हो गया। चलिए एक और हम लोग कर लेते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot 4x, चलिए 14 तक हम लोग रखते हैं,